नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पति को सरप्राइज देने के लिए साइबर अपराधियों के प्रलोभन में फंसकर पत्नी ने अपनी सारी ज्वेलरी बेच साइबर अपराधियों को करीब 12 लाख रुपए दे दिए। अब पति साइबर सेल के चक्कर काटने को मजबूर है। मामला झारखंड के राजधानी रांची का है। साइबर सेल मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। साइबर अपराधी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए लोगों को अपने जाल में फंसाने की कवायद करते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है रांची में, जहां एक व्यक्ति को BMW कार और 25 लाख रुपए की लॉटरी जीतने का प्रलोभन देकर ठगी का शिकार बनाया गया। हालांकि पीड़ित के अनुसार उन्होंने ठगों की बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन साइबर अपराधियों ने उनकी पत्नी को लालच के जाल में फंस लिया और पत्नी से धीरे धीरे मोटी रकम ऐंठ ली। दरअसल पत्नी अपने पति को सरप्राइज देने के लिए साइबर ठगों की बातों में आकर सारे गहने बेचकर करीब 12 लाख रुपए ठगों को दे दिए, लेकिन लॉटरी की रकम और BMW कार जब उसे नहीं मिली, तब पत्नी ने पति को ठगी की पूरी कहानी बताई। इसके बाद पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित सैयद नायर शाह साइबर सेल पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। हालांकि साइबर सेल में उनसे आवेदन तो ले लिया गया है, लेकिन रिसीविंग नहीं दी गई, इसीलिए शाह परेशान है। वह पिछले 13 दिसंबर से साइबर सेल के चक्कर काट रहा है। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।